नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम चटपटी चटकारेदार मसालेदार मैगी बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पैन लिया है, गैस ऑन कर लिया। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में मैगी बहुत टेस्टी बनती है। 2 मीडियम साइज की प्याज है, इसे डाल लेते हैं। इसको थोड़ा क्रिस्प होने तक हम भुनेंगे प्याज को। अब इसमें हम 1 कप फ्रोजन मटर डालेंगे। आपके पास अगर शिमला मिर्च है तो भी डाल सकते हैं काट के। अब 1/2 कप गाजर डालेंगे इसमें। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। इसे हम 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें हम मीडियम साइज का 2 टमाटर काट के रखे हैं, ये भी डाल देते हैं। इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। थोड़ी सी चटपटी और मसालेदार मैगी बना रहे हैं। इसमें 1 हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च डालना मैं भूल गई थी, प्याज के साथ में ही डाल देना चाहिए था। अब इसको हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे। तो सब्जियां हमारी नरम हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। 2 पैकेट मैगी के लिए 2 कप पानी मेजरमेंट किया है हमने। 2 पैकेट मैगी बना रहे हैं तो इसको ढक के हम बॉईल करेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। तो इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। 2 पैकेट मैगी है, मैगी को हमने पैकेट के अंदर से निकाल लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अब जो मैगी के साथ टेस्ट मेकर आया था, ये दोनों पैकेट हम डाल देते हैं। अब इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए मैगी कप सॉफ्ट होने लगी है पानी में, ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको स्पैचुला से चलाएंगे तो खुद ही टूट जाती है। अब हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। जब तक अच्छे से मैगी सॉफ्ट ना हो जाए इसे ढक देते हैं। ये देखिए मैगी हमारी सॉफ्ट हो गई है, फूल गई है, अच्छे से हो चुकी है। तो इसमें जो पानी दिख रहा है सूख जाएगा सर्व करते समय। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गैस को हमने बंद कर दिया है। तो ये देखिए हमने सर्व कर लिया है मैगी को। इसमें हरी धनिया डाल देते हैं थोड़ी सी ऊपर से। तो इस तरह से मैगी बनाएंगे तो खिली खिली मैगी बनेगी आपकी, और बच्चे बड़े बहुत पसंद करेंगे, बहुत खाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइएगा, फैमिली में इंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लिक्स डाल देते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लिक्स मत डालिएगा, तीखा हो जाता है ज़्यादा। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।